हे hey, जैसा कि तुम लोग सभी को पता है कल एक सरीना का पोस्टर रिलीज हुआ था, लेकिन यार इसका मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन जो हम लोग का मेन पॉइंट है इस वीडियो के अंदर, क्या वो पिक्चर असली में एक सही पिक्चर, एक लेजिट पिक्चर है या फिर एक फैन मेड पिक्चर है? तो यार देखो, मैं अगर तुम लोग को सिर्फ एक वर्ड में बताऊँ वो सही है कि गलत, तो भाई वो रियल पिक्चर है। अब ना हम लोग डिस्कस करते हैं ये पिक्चर की जो ओरिजिन है, लाइक ये कहाँ से आया है, एंड अगर हम लोग इसको सही माने तो क्यों माने। क्योंकि मैंने कल देखा बहुत लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये पिक्चर गलत पिक्चर है, एक फैन मेड पिक्चर है और इस पिक्चर में बहुत सारी कमी निकाल रहे थे। लेकिन यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं प्रूफ करने वाला हूँ ये पिक्चर कैसे फैन मेड पिक्चर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जहाँ पे ये पिक्चर फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था वो था पॉके फैंस ताइवान उसके ट्विटर अकाउंट के ऊपर। तो शाम में कुछ ऐसा हुआ उसके ट्विटर अकाउंट के ऊपर एनी मीडिया ने वार्निंग दिया कि तुम इस पिक्चर को रिपोस्ट नहीं कर सकते हो, ये लाइक मेरा कॉपीराइटेड एक प्रोजेक्ट है और इस चीज़ को तुम यूज़ नहीं कर सकते हो। और ये सिर्फ पॉकी फैंस ताइवान को ये मैसेज नहीं आया, जितने भी लोग ने ट्विटर के ऊपर उस पिक्चर को पोस्ट किया था सभी को ये मैसेज आया था एनी मीडिया की तरफ से। तो एनी मीडिया बेसिकली क्या है? तो एनी मीडिया बेसिकली जो भी ऑनगोइंग एनिमे सीरीज होता है जिसका हर वीक कोई एपिसोड आता है, तो हर थर्सडे को एनी मीडिया उन एनिमे से रिलेटेड कोई ना कोई पोस्टर अपने मैगजीन के ऊपर लाइक लगाती है। तो अगर ये सरीना वाला आर्ट है, ये फैन मेड होता, तो एनी मीडिया इसके ऊपर भाई कॉपीराइट क्यों डालती? पहली बात तो ये है, और इससे कन्फर्म हो जाती है जो सरीना का जो आर्ट है ये एनी मीडिया की तरफ से ही है एंड ये एक ऑफिशियल आर्ट है। और जबकि एनी मीडिया जो अपने मैगजीन्स होते हैं वो थर्सडे को हमेशा पब्लिश करती है, और जब ये इमेज ट्विटर पर वायरल हुआ था ये थर्सडे से 2-3 दिन पहले ही हो रखा था, और थर्सडे तो एक्चुअली अभी तक आया भी नहीं है, थर्सडे तो कल है। और हाँ, बहुत लोग जो पॉइंट आउट कर रहे थे कुछ मिस्टेक्स को जो इसकी आउटलाइंस में थी, यानी कि बहुत लोग कुछ ऐसा बोल रहे थे इसके जो आई लैशेस है वो थोड़े से लाइक गायब है सरीना के, एंड जो आउटलाइन है वो थोड़ी सी वीक आउटलाइन थी, यानी कि कहीं पे आउटलाइन थी कहीं पे मिसिंग थी। तो इसके लिए भी एक पॉइंट है ये चीज क्यों है। तो ये देखो, जब मैगजीन में इमेज आने वाला है सरीना लीसा एंड कुहारू का जो इमेज है सेम टू सेम आने वाला है मैगजीन के ऊपर, इसका जो साइज होगा वो छोटा होगा एंड बैकग्राउंड जो होगा वो भी चेंज होगा। एंड ये जो पोस्टर बनाया गया है उसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके उसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, तो इस कारण से जो इसका आउटलाइन है ये थोड़ा सा फेड हो रखा है। तुम किसी भी रीस्केलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जाओगे इसके अंदर तुम्हारे पास कोई छोटा इमेज होगा एंड तुम उसको जैसे जैसे बड़ा करोगे ना तुम्हारा जो आउटलाइन है वो धीरे धीरे फेड होते जाएगा। तो मेन जो ये आउटलाइन फेड हो रखा था इस पोस्टर के अंदर, इसका एक यही रीजन है। और कल तो एनी मीडिया की ऑफिशियल मैगजीन रिलीज होगी उसके अंदर हम लोग के पास ये इमेज आने वाला है, 100% कन्फर्म है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है प्रीव्यू के अंदर, वॉचमैन कंपनी ने सरीना को अभी तक रिवील क्यों नहीं किया? अब देखो, यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं। देखो, जो फर्स्ट रीजन है उसके अंदर ये हो सकता है सरीना को ज्यादा फेम ना मिले इस एपिसोड के अंदर, यानी कि जो स्क्रीन टाइम है सरीना का वो बहुत ही ज्यादा कम रहे। अब देखो, सरीना रिटर्न आ रही है लेकिन उसका स्क्रीन टाइम ही कम रहेगा, भाई इसमें मजा नहीं आएगा, ये तो भाई मैं भी मानता हूँ। क्योंकि देखो, इस कैरेक्टर पे एक डेडिकेटेड एपिसोड भाई हो सकता है, मतलब पॉकिन वाले ऐसे कर सकते थे, लेकिन यार ऐसा हो नहीं रहा है, बात तो ये भी है, ये बात हम लोग को मानना ही पड़ेगा। और जो अगला रीजन है ये है मैगजीन से प्रॉफिट कमाने का। तो यार देखो, एनी मीडिया इस मैगजीन से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सरीना के लिए ये मैगजीन बहुत लोग लेंगे। वो अलग बात है, हम लोग इंडिया के अंदर पॉकीमन के मैगजीन्स नहीं लेते हैं, एनिमे के मैगजीन्स नहीं लेते हैं, लेकिन अगर मैगजीन्स इंडिया के अंदर पब्लिश होंगे तभी तो हम लोग लेंगे, बात तो ये भी है ना। बट फिर से अगर हम लोग अपना टॉपिक पाए तो हाँ, यहाँ पर सरीना रिटर्न करने वाली है एपिसोड 105 के अंदर, ये कन्फर्म हो चुका है। और कोई भी ऐसा बोले कि ये पोस्टर फेक है तो उसे बिलीव मत करना, और तुम उसको भी बोल सकते हो भाई 2 दिन वेट कर ले, एपिसोड खुद आ ही रहा है तो उसके अंदर भाई पता चल ही जाएगा। एनीवेज, आज की इस वीडियो के लिए इतनी था, एंड तुम लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और पॉकीमन के और अपडेट्स के लिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अब मैं तुम लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार दिस इज इट, गैलेक्सी साइनिंग आउट।